हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम शौक और शौक के टाइप्स और ये किन किन कारणों से होता है, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। शौक इज द स्टेट ऑफ इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब शौक एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि बॉडी का जो टिश्यू होता है वहाँ तक जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है, यानी बॉडी के टिश्यू तक ब्लड फ्लो कम हो जाता है, जिसके वजह से सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाता है। और ब्लड फ्लो कम होने की वजह से उस टिश्यू तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। ब्लड में भी अगर हम डीपली बात करें तो RBC होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स, उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन मेनली ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। तो यहाँ पे शॉक की कंडीशन में क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो ही रुक जाता है तो उस टिश्यू, उस सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। और अगर लंबे समय तक उस टिश्यू या सेल को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो वहाँ पे एक कंडीशन जनरेट हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की वजह से सेल का डेथ होने लगेगा। जब सेल डेथ होगा तो टिश्यू भी धीरे धीरे डेथ होने लगेंगे। टिश्यू डेथ होने के बाद ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। ऑर्गन फेलियर होने के बाद ऑर्गन सिस्टम भी, यानी एक साथ बहुत सारे ऑर्गन भी फेल होने के चांसेस रह जाते हैं, जिसके वजह से पर्सन की डेथ होने की संभावना रहती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। वीकनेस होगा, फास्ट हार्ट रेट होगा, फास्ट ब्रीदिंग होगी, स्वेलिंग होगी, एंजाइटी होगी और प्यास ज़्यादा लगेगा। एंड मोर कॉमन जो सिम्टम्स है, कन्फ्यूजन, अनकॉन्शियसनेस, कार्डियक अरेस्ट होगा। तो ये सब सिम्टम्स शॉक के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। द मेन टाइप्स ऑफ शॉक इंक्लूड कार्डियोजेनिक शॉक ड्यू टू हार्ट प्रॉब्लम, हाइपोवोल्मिक शॉक कॉज्ड बाय टू लिटिल ब्लड वॉल्यूम, एनाफाइलेटिक शॉक कॉज्ड बाई एलर्जिक रिएक्शन, सेप्टिक शॉक ड्यू टू इन्फेक्शन, न्यूरोजेनिक शॉक कॉज्ड बाई डैमेज ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये है टाइप्स ऑफ शॉक। अब हम इसके टाइप्स को डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट हाइपोवोल्यूमिक शॉक। हाइपो मीन्स लो, वोल्यूमिक मीन्स रिलेटेड टू वॉल्यूम, यानी यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा कि ब्लड का वॉल्यूम लो हो जाएगा। यानी हाइपोवोल्यूमिक शॉक इज एन इमरजेंसी कंडीशन इन विच सेवियर ब्लड और अदर फ्लूइड लॉस मेक्स द हार्ट अनेबल टू पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी। दिस टाइप ऑफ शॉक कैन कॉज मेनी ऑर्गन्स टू स्टॉप वर्किंग। मतलब कि हाइपोवोल्यूमिक शॉक एक इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड और अदर फ्लूइड का लॉस हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट जो है ब्लड को बॉडी तक पंप नहीं कर पाता है। इसके वजह से, यानी इस टाइप के शॉक की वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पर्सन की डेथ भी हो जाती है। अब हम बात करेंगे हाइपोवोल्यूमिक शॉक के काजेज के बारे में। तो फर्स्ट है एक्यूट हेमरेज की। एक्यूट हेमरेज यानी कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है या कोई डीप कट लग रहा है, तो उसकी वजह से सेवियर यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होगा। और ब्लीडिंग होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाएगी। सेकेंड है वर्न। वाटर इनसाइड बॉडी इवेपोरेट ड्यू टू हीट, जिसकी वजह से वाटर इनसाइड डिक्रीज।
वाटर कम हो जाएगा बॉडी में, जिसकी वजह से वाटर की एक्सेसिव लॉस होगा, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन कंडीशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन कंडीशन होने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोवोल्यूमिक शॉक होगा और पेशेंट की डेथ हो जाएगी। थर्ड है इंटरनल ब्लीडिंग सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ से ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा और शॉक का कंडीशन जनरेट होगा, जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ हो सकता है। फोर्थ है एक्सेसिव यूज ऑफ डायूरेटिक्स। अगर डायूरेटिक्स का एक्सेसिव यूज हो रहा है तब भी हाइपोवोल्यूमिक शॉक का कंडीशन जनरेट होगा, और इस कंडीशन को अगर सही समय पर ट्रीट नहीं किया गया तो पर्सन की या पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हम हाइपोवोल्यूमिक शॉक के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इनएडिक्वेट परफ्यूजन होगा, जिसकी वजह से सेल में हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो एनर्जी डिफिशिट हो जाएगा, यानी सेल जो है एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो चूँकि सेल को एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो वो सेल, देखिए सेल दो तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एक एनारोबिक और एक एरोबिक मेटाबॉलिज्म से। तो चूँकि यहाँ पे एरोबिक कंडीशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है क्योंकि हाइपोक्सिया हुआ है सेल में, तो सेल क्या करेगा, दूसरे मेथड यानी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से बाय प्रोडक्ट में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, जिसकी वजह से ब्लड का पीएच डिक्रीज हो जाएगा। यानी ब्लड का पीएच जब डिक्रीज हो जाएगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, यानी ब्लड एसिड में कन्वर्ट होने लगेगा, ब्लड का जो पीएच है वो कम होने की वजह से। तो एसिडिक होने लगेगा ब्लड, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डिसफंक्शंस हो जाएंगे, सेल का जो मेम्ब्रेन है वो फंक्शन ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा, और सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो भी फेल हो जाएगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप फेल होने की वजह से इंट्रासेलुलर लाइसोसोम जो होते हैं सेल में, वो डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करने लगेंगे। जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने लगेंगे तो वहाँ पे सेल के अंदर टॉक्सिक सबस्टांस एंटर करेंगे सर्कुलेशन में। जो सर्कुलेशन हो रहा है सेल के अंदर, वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक्सिक सबस्टांस एंटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से कैपिलरी एंडोथेलियम डैमेज, जिसकी वजह से एंडोथेलियम जो कैपिलरी है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। और इंडोथेलियम जब डैमेज होने की वजह से डिस्ट्रक्शन होगा, डिसफंक्शन होगा, और सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। अगर इस पार्ट में, इस वीडियो में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।